सलाम नमस्कार, मैं नम जाहिद और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। आइए नजर डालते हैं 10 फटाफट खबरों पे। 19 सिद्धपुर विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन। गुजरात प्रदेश युवा प्रमुख एजाज खान, गुजरात प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संयोजक खेमराज कोश्ती, गुजरात प्रदेश के महामंत्री मोहम्मद रफी वोहरा और प्रदेश के होत्तेदारों के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में राजधानी में 8 अक्टूबर से होने जा रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा के साथ सड़कों की स्थिति पर भी चर्चा की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 169 सूरत पूर्व विधानसभा के उम्मीदवार वसीम कुरैशी ने सूरत मजलिस टीम के साथ संग्रामपुरा तलावड़ी में डोर टू डोर चुनावी प्रचार किया। जनता के द्वारा उन्हें दुआओं से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्योहाल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्टेट प्लान से 4:15 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से 5:00 बजे अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। गुजरात में हिंदू महिलाओं का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमें भरोसा है कि वो दलितों और पिछड़े वर्ग और मुस्लिम लोगों को आगे लेकर आएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर शहर विधायक आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषणबाजी मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस मामले में अभियोजन की ओर से सभी गवाहों की पेशी हो चुकी है। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की दानी लिमडा 54 की प्रत्याशी व अहमदाबाद शहर महिला अध्यक्ष कौशिका परमार ने आज नई बस्ती गुलमोहर टेनामेंट व उसके आसपास के क्षेत्र में राउंड लिया। साथ में वाहिदा रहमान कुरैशी और मीनाक्षी बेन के साथ शामिल हुआ और अहमदाबाद शहर की महिला पदाधिकारी भी मौजूद रही। सटे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। वो रविवार से ही वेंटिलेटर पर हैं। देवरिया पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने पर ही पिछड़ों को न्याय और राजभर समाज को अपनी हिस्सेदारी मिल पाएगी। समाज में हमारी जनसंख्या अधिक है लेकिन हमें उसके सापेक्ष आरक्षण में भागीदारी नहीं मिल पा रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जाने की चर्चा के बीच बगावत करने वाले दो मंत्रियों पर नोटिस की तीर फुस होते दिखाई दे रही है। चर्चा है कि गहलोत समर्थक मंत्रियों पर कांग्रेस अलाकमान ने नरम रुख अपना लिया है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दे। जुड़े रहे और देखते रहे 24 तक न्यूज। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।